आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूं कि हम सब प्रभु में आनंदित हैं और आज हमने अपने अपने भजनालय कलीसिया में जाके प्रभु की आराधना स्तुति महिमा हम कर पाए आज, और जिससे हमें वचनों के द्वारा जो हमारे पासवान हम प्रभु के दासों ने जो हमें वचन रूपी रोटी आत्मिक रोटी हमें दी, उससे हमारी आत्माएं निश्चित रूप से दृढ़ाई गई, मजबूत की गई है ना। और हम आज खुश हैं, उत्साहित हैं और धन्यवाद देना चाहूंगी पिता परमेश्वर को कि भोर के प्रकाश से लेके इस रात्रि तक पिता परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, स्वस्थ रखा है, हम सब भले चंगे हैं और प्रभु में आनंदित हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम सब प्रभु में आनंदित हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 प्रभु जी, तूने हम सबको भोर के प्रकाश से लेके इस सांझ तक और बीते हर एक दिन में अपने रक्षा कार्य हाथों में संभाले रखा है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद, तू अति स्तुति की योग्य पिता। धन्यवाद, तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हे पिता पर हे प्रभु यीशु मसीह, इस समय पिता पवित्र आत्मा पिता मेरे होठों को वेदी की आग से छू ले, ताकि जो वचन तूने मुझे दिया है वो मैं नहीं परंतु तू मेरे मुख से होके बोलना, और मेरे होठों को, मेरे जीभ को, मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रखना। विनती और प्रार्थना है पिता इन आत्मिक वचनों के द्वारा, जो पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक रोटी है, हमारा आत्मिक भोजन है, इससे हमारी आत्मा है प्रभु जी बहुत अधिक मजबूत होने पाए, सरल होने पाए, सुदृढ़ होने पाए, मजबूत होने पाए। हाँ पिता, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम में से हर एक जो जितने भी सुनने वाले हैं सब प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाले हो सके। विनती और प्रार्थना है पिता, तेरे प्रभु के दासों को प्रभु जी तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। मैं अपने छोटे भाई रेवरेंड अनुपम डेविड जी को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, पास्टर कपिल शर्मा जी को, पास्टर सूरज प्रेमानी जी को, पास्टर नीतू पिछानी जी को, पास्टर सचिन क्लाइव जी को प्रभु जी, और भी जितने भी प्रभु के दास हैं पिता, उन सबको भी तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ श्री राजा। विनती और प्रार्थना इन सबको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर कर पिता, ताकि प्रभु जी इन तेरे दासों के द्वारा पिता हर एक आत्मा बचाई जाए। हाँ पिता परमेश्वर, जो तू चाहता है। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना प्रभु जी, हम में से हर एक का रक्षक और रखवाला निगेबान तू ही है। हाँ पिता, जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं उन पे भी तेरी नाम बनाम आशीष हो, ये वचन प्रभु जी उनके हृदयों में काम करे और पिता 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी बिनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, हम आज एक विषय लिया है मैंने, नया जन्म है ना, न्यू बर्थ, नया जीवन या नया जन्म। तो अगर हम देखें अपने पवित्र शास्त्र में कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले तो जब सुसमाचार प्रचार का कार्य शुरू किया तब कहा मन फिराओ, और जब निकोदेमुस जो यहूदियों के सहेंद्रिन जो सभा थी उसका एक सदस्य था और वो एक उनका सरदार था और वो अच्छा ज्ञान रखता था, ज्ञानवान पुरुष था, और जब वो यीशु मसीह के पास आता है ना, मैं पढ़ना चाहूंगी यूहन्ना 3 और उसका 3 से, या पहले से पढ़ना चाहूंगी 3 का पहला। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है
यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। अभी जो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि जो निकोदेमुस था वो यहूदियों का सरदार था, और जो सहेद्रिन की जो इनकी जो सभा थी यहूदियों की, उसका भी एक ये प्रतिनिधि करता था, और वो यीशु मसीह के पास रात में आता है, है ना। शायद वो झिझक रहा होगा कि मैं दिन में जाऊंगा तो सारे यहूदी शास्त्री फरीसी ये सब मुझे देखेंगे, इसलिए वो रात में चुपके से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उससे कुछ प्रश्न करता है। तो हम अब पढ़ेंगे तीसरा, तीन का तीसरा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। नए सिरे से ना जन्मे, है ना, और तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। जल और आत्मा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि नया जन्म क्या है। जो नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ क्या है? अभी निकोदेमुस ने जो प्रश्न किया कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं अपनी माता के घर में कैसे जा सकता हूँ फिर से, है ना। मतलब वो भौतिकता की बात कर रहा है, जबकि प्रभु यीशु मसीह आत्मिकता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आत्मिकता की बात कर रहे हैं। तो और ये नए सिरे से जन्म लेना प्रभु यीशु मसीह की मुख्य शिक्षा भी है मेरे और आपके लिए, कि हमें मन फिराना है और नए सिरे से जन्म लेना। तो प्रश्न ये उठता है कि नए सिरे से जन्म लेने का क्या अर्थ है? अर्थात आत्मिक रूप से जन्म लेना, आत्मिक, हमारी जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा है वो कैसी है? पापी है, है ना। तो उस पाप को हमको अपनी आत्मा से हटाना है। पापी होने के कारण मनुष्य आत्मिक रूप से मृत होता है, जैसे आदम, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि जैसे ही हवा ने फल खाया और अपने पति को खिलाया तो वो तुरंत ही क्या हो गए? आत्मिक रूप से मर गए, है ना। परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, परमेश्वर का जो आभा मंडल था, जो उनके साथ था, वो तुरंत हट गया, है ना, और वो क्या हो गए? आत्मिक रूप से मृत हो गए। परमेश्वर ने तो कहा था जिस दिन तू इस फल को खाएगा निश्चित रूप से मर जाएगा। तो वहां पे आदम और हवा, जो जिन्होंने फल मतलब फल खाया था और आज्ञा का उल्लंघन किया था परमेश्वर की, वो तुरंत आत्मिक रूप से वो मर चुके थे, मर गए थे, है ना, इस बात को हम जानते हैं। तो आत्मिक रूप से जब हम पापी हैं तो मनुष्य आत्मिक रूप से मृत होता है और स्वयं को आत्मिक जीवन नहीं दे सकता। अगर मैं चाहूं कि मैं मेरी आत्मा को मैं पुनर्जीवित कर लूं या मेरी आत्मा से पाप हट जाए, तो ये मनुष्य से संभव नहीं है, ये मनुष्य नहीं कर सकता, है ना। वह परमेश्वर से क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गया है, क्योंकि उसके मन में पाप है, उसकी आत्मा में पाप है, पाप ने उसके मन को घेर के रखा है। तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के समीपता से वो दूर हो गया, क्योंकि बीच में क्या आ गए? मनुष्य के पाप, है ना। मनुष्य के पाप के आने से हम परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी समीपता से, उसकी सामर्थ्य से, सब बातों से दूर हो जाते हैं, जैसे आदम हो गया था, है ना। उसको उद्धार की कोई आशा नहीं। अब जब हमारी आत्मा मृत प्राय है तो फिर कैसे उद्धार होगा, है ना। तो उसको, उस आत्मा को उद्धार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो आत्मा ऐसे ही पाप में वो व्यक्ति मरेगा तो वो फिर कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, है ना। तो
आत्मा ही तो जाएगी ना नरक या स्वर्ग, तो आत्मा में जब पाप है तो परमेश्वर से उसका मेल मिलाप तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका उद्धार, उस आत्मा का उद्धार उसकी कोई आशा नहीं है अगर उसके मन, उसकी आत्मा में पाप है तो। फिर भी परमेश्वर पापी मनुष्य को क्षमा करके इस निराशजनक स्थिति से निकाल सकता है। कौन निकाल सकता है? केवल परमेश्वर, है ना, और हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो हमको क्या करना है, कौन निकाल सकता है? परमेश्वर पापी मनुष्य को क्षमा करके। अब क्षमा करने का अधिकार किसको? केवल परमेश्वर पिता को और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को है। और उसे उस निराशजन स्थिति से, है ना, जब मनुष्य के मन में आत्मा में पाप रहते हैं बहनों भाइयों, तो निराश रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, बीमार रहता है और नाना प्रकार की उसकी उस सांसारिक उलझनों में उलझा रहता है वो, ठीक है ना, जब उसकी आत्मा में पाप है तो। लेकिन परमेश्वर की देखिए कितना प्रेमी है हमारा परमेश्वर, है ना, कि वो मनुष्य को उसकी उस दशा में नहीं रहने देता, नहीं देखना चाहता, वो उसका उद्धार करना चाहता है और चाहता है कि इस मनुष्य का के पाप क्षमा हो, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर पिता को और प्रभु यीशु मसीह को है। तो वो उसको उस दशा से, पाप की दशा से निकाल करके उसके निराश जीवन में आशा उत्पन्न कर सकता है और उसे नया जीवन देकर उसे अपने साथ मेल मिलाप करने तथा उचित संबंध रखने का समय दे सकता है। कितनी बड़ी बात है देखिए, कि आप परमेश्वर की तो इच्छा है कि जो मनुष्य है उसकी जो आत्मा है उसको नया जीवन मिले, है ना, वो पाप से दूर हो जाए, तभी तो परमेश्वर से उसका मेल मिलाप होगा, है ना, पाप रहते हुए परमेश्वर से उसका मेल मिलाप नहीं हो सकता। पर जब वो पाप को छोड़ता है, छोड़ेगा, है ना, तो फिर क्या है, परमेश्वर क्या करेगा, उसे नया जन्म देगा और उसके साथ आपसी संबंध, प्रेम प्रेम, है ना, प्रेम का संबंध, जो परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर प्रेम के कारण, है ना, और परमेश्वर चाहता है कि उस मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से हो, तो वो क्या करता है कि उसे नया जीवन देता, उसके पापों को क्षमा करता है और अपने साथ मेल मिलाप, है ना, करने तथा उचित संबंध रखने का समय देता है परमेश्वर पिता। वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा का नाश हो, बिल्कुल नहीं चाहता परमेश्वर पिता। देखिए कितनी अद्भुत और कितनी क्या बोलना चाहिए, हमारा पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, बताता है, कितनी अद्भुत बात है बहनों भाइयों, कि हम चाहे कैसे भी दशा में हैं, पाप में घिरे हुए हैं, संसार में घिरे हुए हैं, है ना, संसारिकता में जी रहे हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा हमें कचोटती है, है ना, तो जैसे ये निकोदेमुस सरदार था यहूदियों का, बुजुर्ग भी था और साथ ही वो ज्ञानवान मनुष्य भी था, है ना, और वो यीशु मसीह से आके प्रश्न करता है, तो यीशु मसीह उसको क्या बोलता है, मैं तुझसे सच, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, है ना, सच सच, कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म, है ना, यह अनुभव नया जन्म कहलाता है। और जब ये अनुभव है बहनों भाइयों, है ना, कि हमारी आत्मा से सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा क्षमा किए जाके हमारी आत्मा कैसी हो जाती है, नई हो जाती है, है ना, हमारा यही नया जन्म, इसी को नया जन्म बोलते हैं। और यह पूर्णता परमेश्वर की आत्मा का कार्य है जो व्यक्ति के हृदय में होता है, पूरी तरह से परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर जिनकी प्रार्थनाओं को, जिनकी पुकारों को, टूटे हृदयों को जिनको देखता है, उनको तुरंत थामता है और पकड़ता है ना, और उनके हृदय को वो नया करता है
उनकी आत्मा को नया करता है बहनों भाइयों, और ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। तब यह तब होता है जबकि व्यक्ति स्वयं को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर देता है। ये तभी होगा जब मेरी आत्मा इस बात को स्वीकार करेगी कि मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस की मृत्यु सह के उठाया है ना, वो निंदनीय मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने सही है ना। हम यशया 53 में पढ़ते हैं पूरा कि किस प्रकार से उसने हमारे रोगों को कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए। और ये विश्वास करता है वो व्यक्ति, या मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सारी बीमारियों के लिए अपनी पीठ पे कोड़े खाए है ना, 39 कोड़े, और जो प्रायश्चित मुझे करना था वो किसने किया, प्रभु यीशु मसीह ने, कहा किया, क्रूस के ऊपर है ना। तो ये विश्वास जब हम करते हैं और यीशु मसीह को अपनी आत्मा समर्पित करते हैं तो वो हमें क्षमा और उद्धार और नए जीवन का दान देने में विश्वासी है ना। दान उससे प्राप्त यीशु मसीह के लिए समर्पित कर देता है, मैं समर्पित करती हूँ अपने मन को, आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के सामने, और उससे प्राप्त होने वाली क्षमा उद्धार और नए जीवन के दान पर विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी आत्मा को जो गंदी थी मैली थी है ना, और उसमें बहुत सारे असाध्य रोग थे, पाप था, अंधकार था, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या कर दिया, धो के शुद्ध कर दिया मेरी आत्मा को है ना। और ये कब होगा, जब मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करूंगी संपूर्ण मन से, ठीक है ना, संपूर्ण मन से विश्वास करना है। और यही तो बात कह रहा था यीशु मसीह किससे, निकोदेमुस से, लेकिन निकोदेमुस इस बात को समझ नहीं पा रहा था, वो तो संसारिकता की बातें कर रहा था कि कैसे माँ के गर्भ में फिर से कोई जा सकता है ना। लेकिन यीशु मसीह ने उसको समझाया कि जब मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है ना। और बिल्कुल स्पष्ट बात करी प्रभु यीशु मसीह ने। और ये प्रभु यीशु मसीह की मुख्य शिक्षा भी है कि नया जन्म, और मुझमें ये योग्यता होना चाहिए, हमें ये योग्यता होना चाहिए कि हम नए सिरे से जन्म, कोई बात नहीं हम संसार में है तो हमारे हम बहुत सारे पापों से घिरे थे है ना, हमारी आत्मा कलुषित थी, पाप से सराबोर थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं संपूर्ण सच्चे मन से, तब और उसे अपनी आत्मा समर्पित करते हैं, तब वो हमारे सारे पापों को क्षमा करने में, हमें उद्धार देने में और नए जीवन को देने में कौन देता है, प्रभु यीशु मसीह है ना। तो मुझे ये बात विश्वास करना है कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आई हूँ आती हूँ, और तो मुझे अपने पापों से क्षमा भी मिलती है, उद्धार भी मिला और नया जीवन मिला मेरी आत्मा को, ये मुझको विश्वास करना है ना, यही नया जन्म है। इफिसियों 2:1 और उसका 5, इफिसियों 2 और उसका 5 पढ़ना चाहूंगी, 1-5। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, है ना। पौलुस प्रेरित की पत्री है इफिसियों के नाम, उसका 2 अध्याय और 1-5 तक पढ़ना चाहूंगी। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले ही संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, अर्थात शैतान।
इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिलाया गया मृतकों में से, उस और फिर यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने यह अधिकार दिया कि वो पापों की क्षमा है ना, क्योंकि यीशु मसीह कहाँ था, क्रूस पे, और सबसे पहली जो उसकी वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। वो कोई कंफर्ट जोन में नहीं था, है ना। कितनी तकलीफ हो रही होगी उसको, कितना कष्ट उसने उठा रहा होगा वो, है ना। शारीरिक पीड़ा से, गहन शारीरिक पीड़ा से वो उस समय गुजर रहा था जब वो क्रूस पे था। तब भी वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, सारे संसार के लिए प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर से कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो देखिए, क्षमा उसने सबके लिए मांगी है ना, और अपना पवित्र लहू बहाया और क्रूस की निंदनीय मृत्यु सही। तो परमेश्वर ने उसको क्या करा, सारी बातों पे अधिकार दे दिया। क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, क्या अधोलोक, सबकी कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास है। पाप क्षमा का भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है ना। तो जब हम, पौलुस बिल्कुल स्पष्ट बात बता रहे हैं कि जब हम क्या थे, उस हाकिम संसार के, उस आकाश के संसार की रीति पर आकाश के अधिकारी, अधिकार के हाकिम अर्थात शैतान के चलाए चलते थे, है ना। तो और आज भी बहुत सारे लोग उसी के चलाए चल रहे हैं, जो आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं को बिल्कुल नहीं मानते, है ना। परंतु हम अपनी शारीरिक लालसाओं में फंसे थे, है ना, सांसारिकता में फंसे थे, लेकिन और हम क्या थे, क्रोध की संतान थे, है ना। क्रोध बात बात पे, है ना, केन ने हाबिल को क्रोध वंश ही तो उसकी हत्या की थी, है ना, और जलन वंश, क्रोध वंश, ये किसका स्वभाव है, सांसारिक, उस आकाश के अधिकारी शैतान का स्वभाव है, है ना। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है ना, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता बहनों भाइयों कि एक भी आत्मा का नाश हो। वो चाहता है कि सारे संसार के लोग उसके स्वर्गीय राज्य में आए, है ना, और क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और इससे बढ़ के क्या होगा बहनों भाइयों, प्रेम, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अब बताइए आप, इससे बढ़कर के परमेश्वर का प्रेम है ना क्या होगा, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दिया, है ना। जो प्रायश्चित मुझे और आपको करना था उसको किसने किया है, प्रभु यीशु मसीह ने किया क्रूस पे, ठीक है ना। तो अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, बताइए परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है या आपसे प्रेम करता है ये बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात है। फिर जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, है ना, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो यीशु मसीह के साथ हम भी जिलाए गए, हम भी अगर हम ये विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को सह करके मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो युगानुयुग जीवित है ना। तो और ये जो जो आत्मा, जो हमारी जो आत्मा है, वो जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, हमें नया जन्म मिल जाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा, परमेश्वर पिता के असीम प्रेम के द्वारा, उसकी दया के द्वारा, तो ये
अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। परमेश्वर का अनुग्रह है बहनों भाइयों, कि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है ना। परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कितना, परमेश्वर पिता कितना प्रेमी है, कितना दयावंत है, तरस से भरा हुआ उसका मन है। प्रभु यीशु मसीह का भी ऐसे ही हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में और सारी पत्रियों में, कि वो उसका मन तरस से भर जाता था है ना, और किसी भी असहाय को असहाय अवस्था में उसने कभी नहीं छोड़ा है ना। और लिखा भजन कार तो ये कहता है कि टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर पिता का अनुग्रह है जिसके द्वारा मुझे और आपको उद्धार मिला है। पर कब? जब मेरा और आपका नया जन्म, हमारा जब नया जन्म होता है तो फिर हमें उद्धार भी प्राप्त होता है। और जिस प्रकार से निकोदेमुस को एक नई व्यवस्था की नहीं परंतु एक नए हृदय की आवश्यकता थी है ना, उसे एक नई आत्मिक शक्ति की जरूरत थी जो उसके आंतरिक स्वभाव को बदलकर उसे परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य बना सके। तो केवल निकोदेमुस को ही नहीं बहनों भाई, मुझे और आपको भी आंतरिक स्वभाव को बदलना है हमें। हमारे जब हमारा हृदय, हमारी आत्मा नई हो जाती है, तो हमारी जब हमारी आत्मा बिल्कुल नई हो गई है ना, साफ सुथरी बहुत सुंदर, तो फिर हमारा जो स्वभाव है, आंतरिक स्वभाव भी और बाहरी स्वभाव भी, वो बदल जाता है ना। और यही बात पर यीशु मसीह निकोदेमुस को समझा रहे हैं, ठीक है, उसे परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य बना सके। अब परमेश्वर के राज में जब प्रवेश करना है तो परमेश्वर के शर्तों को मानना पड़ेगा ना भाई। राज्य उसका है, अधिकारी वो है ना। और अगर मैं ज्यादा चाहती हूँ स्वर्ग, तो मुझे उसकी आज्ञाओं को, उसकी शर्तों को मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जो कोई, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है ना। आत्मा, पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ उसको, पवित्र आत्मा ही उसको क्या करेगा, उसके मन को साफ। जब पवित्र आत्मा हम प्रार्थना के माध्यम से जब हम पवित्र आत्मा से प्रेरणा लेते हैं, वो हमारा सहायक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं अभी जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो पिंतेकुस्त के दिन हम प्रेरितों के काम 2 में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रेरितों को, सारे चेलों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिली थी, और वो उन्होंने जो पतरस ने जो उपदेश दिया था, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची गवाही वो जब बता रहा था, तो कितने लोगों के हृदय छिद गए और सब ये कहने लगे कि अब हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें है ना। आत्मग्लानी से वो भर गए कि अरे यीशु मसीह के साथ, उस यीशु नासरी के साथ, उस यीशु रब्बी के साथ, उस गुरु के साथ हमने क्या कर दिया। वो तो निर्दोष था, निष्कलंक था। तो वो जितने लोग थे, पतरस की उस जीवित गवाही से उनके मन में आत्मग्लानी हो गई, सारा अंधकार उनके मन से, आत्मा से दूर हो गया, और उन्होंने क्या बोला, हे भाइयों अब हम क्या करें। तो पतरस ने क्या बोला कि मन फिराओ और क्या करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और उन लोग, कितने लोग थे वो, 3000 के लगभग थे वो लोग है ना। अगर हम देखें प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय, और उसकी पढ़ना चाहूंगी प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 26-37 से, तब सुनने वालों उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, जीवित आशा है मेरे और आपके लिए है ना। कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वो सारे जितने लोग थे है ना, 13
राज्य प्रांत के जो लोग थे जो यरूशलेम आके विभिन्न प्रकार के काम किया करते थे, और वो उन्होंने देखा भी होगा यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना, और वो जानते भी थे, है ना। तो तब सुनने वालों के का हृदय छिद गया और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। पहले तो मन फिराना है, फिर प्रभु यीशु मसीह के से क्षमा मांगना है, है ना, और फिर बपतिस्मा लेना है, ठीक है ना। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब मुझे और आपको क्या मिलता है? पवित्र आत्मा का दान, है ना, पवित्र आत्मा के वरदान। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हमें बयाने से बाहर हमें प्रकाशन देते रहता है, नई नई बातें, है ना। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और उसको हम निमन प्रार्थना में याद करते हैं पवित्र आत्मा को, और उससे बोलते हैं कि हमें इन पवित्र शास्त्र के वचनों को जो कठिन है हमारे को समझने के लिए हमें समझा, तो निश्चित रूप से बहनों भाइयों पवित्र आत्मा पिता हमें समझाता है। और बहुत सारे दान वरदान है पवित्र आत्मा के, है ना, और पवित्र आत्मा के फल है, है ना, 9 फल। तो ये जब कब होगा? जब हमारा नया जन्म होता है, और जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर होते हैं, उसके वरदानों से भरपूर होते हैं, उसके आत्मिक फलों से भरपूर होते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को क्या कर देता है? आनंदित करता है, अलौकिक सामर्थ हमको मिलती है। मुझे और आप हम सभी को भी नए जन्म की आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है, है ना, क्योंकि हम स्वभाव ही से पापी हैं, हम बिल्कुल हम स्वभाव ही से पापी हैं, और परमेश्वर उससे या हमें स्वर्ग में तब तक कभी ग्रहण नहीं कर सकता जब तक हम पूरी तरह से नए नहीं बन जाते, है ना। बिल्कुल सही बात है भाई, राज स्वर्ग का राज उसका है, वो सर्वे सर्वा है ना, ईश्वरों का ईश्वर प्रभुओं का प्रभु है हमारा परमेश्वर पिता, है ना, और उसके दाहिनी ओर कौन बैठा है आज? प्रभु यीशु मसीह। और हम अगर उसके राज्य में जाना चाहते हैं हमारी आत्मा, तो हमें क्या करना होगा? नए सिरे से जन्म लेना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। और क्योंकि परमेश्वर का राज एक आत्मिक राज है, परमेश्वर का जो राज्य है वो एक आत्मिक राज्य है, अतः ही अति आवश्यक है कि पहले हमें यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करना है, सच्चा विश्वास, है ना, मनसा वाचा कर्मणा से सच्चा विश्वास। और जब हम उस पर सच्चा विश्वास करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के राज में हम फिर से जन्म, इसके द्वारा हम जब विश्वास करते हैं तो हमारी जो मरी हुई आत्मा है उसका फिर से जन्म हो जाता है, और वो कैसी हो जाती? पाप रहित, साफ सुथरी हो जाती, प्रभु यीशु मसीह की दया से, परमेश्वर पिता के अनुग्रह से, है ना। फिर से हमारी आत्मा को नया जन्म प्राप्त होता है। यद्यपि हमें मृत्यु को ग्रहण करना है, देखिए मृत्यु तो शाश्वत है, है ना, आदम से ही मृत्यु आई, है ना, तो ये शाश्वत सत्य है, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा या तो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। तो मुझे और आपको आज अभी इसी समय इस बात के लिए निर्णय लेना है कि मेरी आत्मा मेरे मरने के बाद कहाँ जाएगी, है ना। अगर मेरा नया जन्म होता है, हमारा नया जन्म हुआ है, हमने यीशु मसीह पे सच्चा विश्वास किया है, है ना, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में धर्मी और कैसा है? न्यायी है, और वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, और अधिकार उसके पास है हमें क्षमा करने का, परमेश्वर पिता के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जब हम उसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमको मिलती है, तो हमारी जो आत्मा है, सारा अंधकार सारा पाप हमारी आत्मा से दूर हो जाता है, और हमारा क्या हो जाता है? नया जन्म, हमारी आत्मा का नया जन्म हो जाता है।
जो किंतु मृत्यु के पार हमारी आत्मा स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जीवित रहती है, है ना। नए जन्म लिए व्यक्ति की आत्मा फिर कभी नहीं मरती, ये भी सच्चाई है कि जो जिसने नया जन्म ले लिया है ना, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन काल में जीवित रहते हुए अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वह उस व्यक्ति की आत्मा दूसरी मृत्यु उसको नहीं है, है ना। और परमेश्वर के राज में प्रवेश करना अनंत जीवन में प्रवेश करना है। यूहन्ना 3:15, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया उनको क्या मिला है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन मिला है, है ना। फिर दूसरी मृत्यु नहीं है, ठीक है ना। और ये इस बात को हमको उठते सोते चलते फिरते मनन करना है बहनों भाइयों, कि हमको हमारे आत्मा को नया जीवन मिल गया है तो हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, है ना, हमारी संगति अब कैसी हो गई है, सांसारिक नहीं है। अब हम संसार के नहीं है, अब हम किसके हो गए हैं, स्वर्गीय राज्य के वारिस हो गए हैं। तो हमारी संगति किसके साथ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ। किसके साथ है, पवित्र आत्मा के साथ। किसके साथ है, परमेश्वर पिता के साथ, है ना। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा बातें करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर पिता से बात करते हैं, है ना। यह अनंत जीवन शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है, जो आने वाला है ना, जिसके हम सब बाट जो रहे, वो कैसा है राज्य, अनंत युगानुयुग का राज्य, अनंत, है ना। तो हम उसके साथ में अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, है ना। और पहला पत्रस 1 पद और उसका 23वां 1 अध्याय उसका 23वां पद पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म किसके द्वारा हुआ है, वचन के द्वारा। वचन कौन है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। फिर यूहन्ना 1:14, वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। तो वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, वह बीज जिसका कभी नष्ट नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा, है ना, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। नया जन्म हमें कौन देता है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। वचन परमेश्वर का वचन क्या है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। और पवित्र शास्त्र के विषय में भी अगर हम बोले तो पवित्र शास्त्र भी, फिर प्रभु यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ, तो हमको किस पे विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि क्रूस की मृत्यु जो है, निंदनीय मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह ने सही है। काट की मृत्यु जो थी अत्यंत निंदनीय मृत्यु थी उस यहूदियों के, रोमी सरकार के उस जमाने में, यीशु मसीह के जमाने में, है ना। और जिन्होंने घोर पाप किया, अपराध किया, उनको ये मृत्यु दी जाती थी। लेकिन हम सब जानते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक था। उसने पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर के हमें क्या करा, अपना पवित्र लहू बहा करके पिता परमेश्वर से हमको मोल ले लिया, खरीद लिया है, है ना। तो अब जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए, है ना, कि हम पिता परमेश्वर के साथ स्वर्गीय राज में
रहने पाए, हमारी आत्मा जाने पाए। मध्यस्थता किसने करी? प्रभु यीशु मसीह, है ना, और क्रूस की मृत्यु के द्वारा। और जो कोई इस बात को मैं विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस की मृत्यु सही, है ना, और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो युगानुयुग जीवित है, इस बात को जो अपने मुंह से अंगीकार करता है, स्वीकार करता है मन से, है ना, वो क्या है, वो उसको अनंत जीवन मिलता, उसका उद्धार हो गया और उसे अनंत जीवन मिलता। अनंत, यह नया आत्मिक जीवन, सच्चा जीवन, अनंत जीवन और परमेश्वर के राज्य का जीवन है, है ना। आत्मिक जीवन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए बिना असंभव है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह के पास, तो ये प्रभु यीशु मसीह हमको क्या करते हैं, सारे पापों से क्षमा करते हैं, और फिर हमारा, हमारी आत्मा का जो जो सारे पाप जो है वो हटते हैं, और प्रभु यीशु मसीह की जो ज्योति है, जो प्रभु यीशु मसीह का क्या, परमेश्वर पिता ने कहा कि तुम्हारा जो शरीर है वो क्या है, परमेश्वर क्या है, ये मंदिर है ना, परमेश्वर का मंदिर है। तो हमारा जो, हमारी जो आत्मा है, जब हम नए हो जाते हैं तो फिर हम संसार के नहीं रहते, और ये किसके द्वारा होता है, आत्मिक जीवन, फिर हम आत्मिक जीवन जीने लगे, सांसारिक जीवन नहीं, फिर हम आत्मिक जीवन जीते हैं, और यह काम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है, है ना, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हमें नया जन्म प्राप्त होगा, हो सकता है, होता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नई सृष्टि के समान होता है, है ना, साफ सुथरा, उज्जवल, बिल्कुल खूब सुंदर, है ना, आत्मा में खुश रहता है, वो प्रसन्न रहता है, और नए सिरे से अपना आत्मिक जीवन आरंभ करता है। और दूसरा कुरंथियों 5:17, दूसरा कुरंथियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है, है ना। तो यहाँ पर भी पौलुस इसी बात को बोल रहा है कि हम क्या हो गए हैं, अब प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हो गए हैं, है ना, और अब जो पुरानी बातें थी वो बीत गई, है ना, और उसको हमको याद भी नहीं करना है, रखना है, और सब बातें नई हो गई है किसमें, इसलिए यदि कोई मसीह में है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, हमारी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आता है, प्रकाश रहता है, सारा अंधकार दूर हो जाता है ना। उन प्रेरितों के द्वारा, देखिए पतरस के उपदेश के द्वारा 3,000 लोगों के जो हृदय थे वो छिद गए, है ना, और वो अपने आपे में आए, और उन्होंने कहा हे भाइयों हम क्या करें, तो पतरस ने बिल्कुल साफ बोला, मन फिराओ, है ना, अपने अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु यीशु मसीह के सामने लो, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करो, बपतिस्मा लो। तो ये जब हम ये प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपना उद्धार करता, तो फिर हम क्या हो जाते, तो वह नई सृष्टि है, हम जैसे ही मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो फिर हम क्या, हमारी आत्मा कैसी हो जाती है, नई सृष्टि, है ना, और पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई, अब सब बातें क्या हो गई, नई हो गई हमारे लिए, हमारा आंतरिक जीवन नया हो जाता है, और हमारे मन में नए हो जाने से हमारे विचारों और व्यवहारों में परिवर्तन हो जाता है, सबसे बड़ी बात, मेन बात, फिर से हम पाप नहीं करते हैं, संसारिकता में नहीं रहते हैं, है ना, और सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, मेल मिलाप का प्रेम से व्यवहार करते हैं। यीशु मसीह ने दूसरी आज्ञा क्या दी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, रखना, है ना, तो प्रभु यीशु मसीह की तो ये आज्ञा भी है, दूसरी बड़ी आज्ञा है कि हमें, तो मेरा पड़ोसी कौन, पूरा संसार, है ना, तो हम क्यों उनकी चुगली करें, बुराई करें, निंदा करें, नहीं,
अब हम नए हो गए, हमारी आत्मा नई हो गई है, तो हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। रोमियो 12 और उसका 2, रोमियो 12 और उसका दूसरा पद पढ़ना चाहूंगी। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, है ना। तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है कि हमारा जो चाल चलन है वो परमेश्वर को कैसा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, है ना। हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, साफ। जब हमारा नया जन्म होता है ना बहनों भाई, आत्मिक रूप से जब हमारा नया जन्म हो जाता है, तो फिर अब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। अब पवित्र आत्मा हमारा क्या हो जाता है, गाइड करता है हमें। और यहाँ पे पौलुस भी इस बात को बोल रहा है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की भली भावती, है ना, भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से हमें प्राप्त करना, मालूम करते रहो, है ना। और जो परमेश्वर की भली भावती इच्छा क्या है, अगर अपन देखें तो यूहन्ना 3:3 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा तो यही है कि हमें नया जन्म लेना है, है ना, तभी तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएंगे। और हमें क्या करना है, यीशु ने उत्तर दिया इसी का, यूहन्ना 3:5, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, जो पवित्र आत्मा बपतिस्मा भी लेना है और पवित्र आत्मा की संगति में चलना है, है ना, पवित्र आत्मा के साथ चलना है। हमारा बाहरी जीवन भी नया हो जाता है, फिर हम दूसरों के प्रति प्रेम से व्यवहार करते हैं, है ना, और फिर हम पाप से घृणा करने लगते हैं तथा सांसारिक परीक्षाओं में विजयी हो जाते हैं। संसार में परीक्षा तो आती है, हमारे सबके ऊपर आती है, हमारे ऊपर भी आती है, है ना, कोई दिक्कत नहीं है परीक्षा, परंतु उससे फिर क्या हो जाते हैं, हम विजयी होते हैं। कुलुसियों 3:10-12 और 13 भी पढ़ना चाहूंगी। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, है ना। फिर 12, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। 13 भी, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो, है ना। तो आप संसार में तो बहुत सारी परीक्षाएं आती है, लेकिन उसमें विजयी हमको कौन दिलाता है, फिर परमेश्वर पिता, क्योंकि हमारा सहायक कौन है, पवित्र आत्मा, है ना। तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। और ये देखिए यहाँ पे भी बोला है ना कि 3:10 और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और जैसे जैसे हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, तो हमें बहुत सी नई नई बातें पवित्र आत्मा सिखाता है, समझाता है, बताता है, है ना। और अगर हम किसी समस्या में भी है तो उसका निकास भी कौन करता है, पवित्र आत्मा करता है, प्रभु यीशु मसीह करता है, है ना, क्योंकि अब हम किसके संतान हो गए, परमेश्वर पिता के, अब हम किसके पीछे चल रहे, प्रभु यीशु मसीह के, है ना। तो वो हमें
नहीं पड़े रहने देता सांसारिक समस्याओं में, परीक्षाओं में, है ना, उसमें वो हमें विजय दिलाता है। यदि हमें क्या क्या करना है, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ये हमें अपनाना है, ये गुण हम में होना चाहिए, है ना। जब हमारा नया जन्म हो जाता है, हमारी आत्मा नई हो जाती है, तो हमारा जैसे प्रभु यीशु मसीह का मन था तरस से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, दया का सागर था वो, है ना। तो अब बताइए ना, 5000 लोग केवल जेंट्स पुरुष ही थे और महिला और बच्चों की गिनती नहीं बताई है, तो सोचिए इतने लोगों को उसने तरस से भर गया उनका मन कि अरे इतने दिन से ये हमारे साथ है और परमेश्वर के राज्य की उपदेश सुन रहे हैं, तो इनको भूख लग रही है तो इनको भोजन की व्यवस्था होना चाहिए। देखिए कितनी उसका मन तरस से भर गया। और जब भी वो किसी बीमार को भी देखता था तो 38 वर्ष के उस जो लकवे से लंगड़ा से जो था और जो ओसारे में पड़ा रहता था, तो बैतसैदा के कुंड के पास पड़ा रहता था, तो उसका प्रभु यीशु मसीह का मन कैसे तरस से भर गया कि ये चंगा होना चाहिए, और उसने उसको चंगाई दी। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह का जैसा हृदय था, मन था, है ना, करुणा से भरा हुआ, और वो सबकी भलाई करता था, है ना, कोई भेदभाव नहीं था उसके मन में कि यहूदी है, यूनानी है, या फरीसी है, शास्त्री है, है ना, वो ये चुंगी लेने वाला है या ये सदूकी लोग है, वो सबके साथ भलाई का काम करता था, सबके साथ भलाई करता था वो। और दीनता, कितना नम्र और दीन था बहनों भाई हमारा प्रभु यीशु मसीह, कि जब उस पे थूका गया, उसके गाल पे चाटे मारे गए, उसे उसके पीठ पे कोड़े मारे गए, और उसको कांटों का ताज पहनाया गया, मुकुट पहनाया गया, है ना, और उसके हाथ और पैरों में कीले ठोके गए, पर उसने एक शब्द नहीं बोला, वो सबको चुपचाप सहता रहा, है ना, जैसे भेड़ ऊन कतरते समय शांत चुपचाप खड़ी रहती, ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उसको क्रूस पे लटकाया जा रहा था, तो वो सब चुपचाप शांत होकर के उसने पूरी नम्रता दीनता से सब कुछ सह लिया। और सहनशील, है ना, कितना सहनशील था, उसने कभी अपने मुंह से गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया, है ना, हम बाइबल में पढ़ते हैं, और कभी किसी का अपमान नहीं किया, ठीक है ना। तो ये सहनशीलता, कितनी सहनशीलता थी उसमें। तो ये गुण जब हम अपनाते हैं, जब नए हो जाते हैं हम, तो हमारे मन में भी इसी प्रकार के आत्मा के नए होने से हमारा बाहरी और आंतरिक जो शरीर है वो भी कैसा हो जाता है, नया हो जाता है। और हम जितनी भी परीक्षाएं आती है, सांसारिक परीक्षा, उन सब में हम विजयी होते हैं। आज हमने वचनों के द्वारा यह सीखा कि हमें नया जन्म लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत निकट है, है ना, और हमें अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करना है, ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है ना, कि तू मुझे क्षमा कर, और अंगीकार करना है मुझसे कि मेरे द्वारा ये पाप हुए, परंतु तू क्षमा करने में धर्मी है ना, तू न्यायी है, मेरे पापों को क्षमा कर, तो वो हमें क्षमा करने में तत्पर है। और जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है, तथा पापों से अब हमें घृणा करना है, है ना, और क्योंकि हमें परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को पूरी करना है, तो पाप तो वहां होना ही नहीं चाहिए, है ना, तभी तो हम परमेश्वर पिता की भली भावती और सिद्ध इच्छा को पूरी करेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, तब हमारा नया जन्म होता है, तब हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज में प्रवेश कर पाते हैं, तब हम उसकी संतान बनते हैं, तब हमें अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में है और उसके द्वारा है प्राप्त होता है। यह आत्मिक जीवन
बहुत ही सुखद अनोखा प्रेम से भरपूर है, जो हमें आज ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आए और हम उसके साथ स्वर्ग ना जाए जाने पाए। यदि हमें भी मुझे भी उसके के साथ स्वर्ग जाना है, यदि मुझे आपको उसके साथ स्वर्ग जाना है अभी द्वितीय आगमन में, तो हमें पिता परमेश्वर के और स्वर्गीय राज में प्रवेश करना है तथा उसके संतान बनना है, तो मुझे और हम सभी को नया जन्म लेना अत्यंत आवश्यक है, जो हमारी आत्मा का नया जन्म है। प्रभु अपने इस आत्मिक वचनों के द्वारा हर एक को, है ना, हर एक को जितने भी सुन रहे हैं सबको बहुतायत से आशीष दे, और प्रभु करे कि हम सब, है ना, उसके राज परमेश्वर पिता के स्वर्गीय राज में जाने पाए अपनी आत्मा के नए जन्म के द्वारा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 ये परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी बड़ाई हो पिता। धन्यवाद 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 सच में पिता परमेश्वर, तेरे सुंदर वचनों के द्वारा हम सबकी आत्माएं प्रभु जी दृढ़ाई गई, मजबूत की गई है। इस आत्मिक रोटी के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, प्रभु जी तेरी मदद के बिना मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकती। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद, तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तेरी सामर्थ के लिए, तेरे मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद इन वचनों के द्वारा पिता, कि हम मुझे नया जन्म, हमें नया जन्म लेना अत्यंत आवश्यक है, जो हमारा आत्मिक नया जन्म है, और हमें अपने पापों से मन फिराना है और प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटना है, सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार, क्योंकि अनंत जीवन और उसी के पास है, उसी में है, उसी के द्वारा है, और परमेश्वर के स्वर्गीय राज में हम तभी प्रवेश करेंगे जब हमारी आत्मा का नया जन्म होगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद, और हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज में उसकी संतान भी ठहरेंगे। धन्यवाद पिता इतने सुंदर आत्मिक वचनों के देने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पुत्र प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद पिता कि तूने हम सब अधम नीच पापियों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया, ताकि हमें छुटकारा मिले हमारे पापों से। तूने हमें अपना लहू के द्वारा दाम लेकर के परमेश्वर पिता को दाम देकर हमें मोल खरीदा है, मोल लिया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम मोल लिए गए हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो पिता। धन्यवाद प्रिय परमेश्वर, सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद पिता, आज के जीवित कलाम के लिए धन्यवाद पिता, हर एक के मनों में पिता ये जीवित कलाम प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला हो सके, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता, हमारे विचारों की, हमारी आत्मा की, और पिता परमेश्वर हमारे मन का तू ही रक्षक है, रखवाला है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद पिता कि तूने हमें छुटकारा दिलाया है। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरे द्वारा हमें नया जन्म मिला, हमारी आत्मा को नया जन्म मिला है, इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद 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 पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक घुटना, हर एक जीव प्रभु जी तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करे पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ प्रभु जी, हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, हर एक पे अपनी आशीषों की वर्षा कर पिता, तेरे अनुग्रह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो पिता। हाँ प्रभु जी, सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में, ये छोटी सी बिनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आप सभी को जय मसीह की।